हाँ, आज मैं दोपहर से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। एक्चुअली मुझे कुछ काम से बाहर जाना है, तो वही मैं रेडी हुई हूँ बाहर जाने के लिए। और ये ब्लॉग मैं बहुत दिनों बाद बना रही हूँ, क्योंकि पिछले 12-15 दिनों से कुछ मतलब कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से मैं अपडेट नहीं हो पा रही थी। आप लोग जो मेरा ब्लॉग देख रहे होंगे, उससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि काफ़ी लंबा मतलब ये ब्रेक था, क्योंकि मतलब कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मैं अपडेटेड नहीं थी। बट अभी सब ठीक है, तो अभी मैं फिर से अपना नया ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, और होपफुली कि मैं आप लोगों को एंटरटेन कर पाऊँ और दिखा पाऊँ कि लाइफ में क्या चल रहा है। तो अभी फ़िलहाल दोपहर के 2 बज रहे हैं, तो फिर चलिए चलते हैं बाहर और देखते हैं कि क्या क्या होता है। घर से निकलने के बाद हम लोगों का सडनली मूवी देखने का प्लान बन गया, तो हम लोग जुरासिक पार्क देखने गए थे। मूवी देख लिया है और अभी थोड़ा कुछ एटीएम से पैसा निकालने गए हुए हैं अभी, और यहाँ पे वेट कर रही हूँ। मूवी ठीक ठाक थी, बच्चों के लिए अच्छी है, मतलब एनिमल्स वगैरह है, मुझे उतनी कुछ खास नहीं लगी। बट हाँ ठीक है, ओके ओके थी। बेटा इंजॉय कर रहा था एनिमल्स देख देख के, मतलब काफ़ी एक्साइटमेंट हो रहा था, तो उसने इंजॉय किया। ओवरऑल मूवी ठीक ठाक है, बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छी है। तो अभी निकलते हैं, कुछ सामान भी लेना है, तो देखते हैं क्या ले पाते हैं, और निकलेंगे तो दिखाएंगे आपको। मैं ऐसा लग रहा है कि जोरों की बारिश होने वाली है, और अभी मुझे तो बाहर निकले ही हैं हम लोग, कुछ शॉपिंग वगैरह करना था। बट लग रहा है कि खूब जोरों की बारिश होगी, हम लोग फंस ना जाए इसलिए फिलहाल ऑफिस में चलते हैं, वहाँ भी कुछ काम है, तो तब तक उसको निपटा लेते हैं। बारिश में भीगने से बेहतर है कि काम निपटा लें, और जब बारिश रुक जाएगी तब हम लोग काम के लिए फिर मतलब शॉपिंग के लिए निकलेंगे, क्योंकि बहुत अंधेरा हो रहा है और लग रहा है बहुत जोरों की बारिश आने वाली है। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि पहले गेस्ट हाउस में जाते हैं, बारिश रुकेगी देन हम लोग बाहर निकलेंगे। हाँ भी सडनली आइसक्रीम ला के दे कि आइसक्रीम खा लो, और ये देखो मतलब मोबाइल ऑन हुआ नहीं और ये है, और अपनी बदमाशियाँ ना दिखाए, ऐसा हो सकता है? तो अभी ने बोला आइसक्रीम खा लो। वैसे भी मुझे बहुत भूख लगी थी, मैं सुबह का नाश्ता करके हूँ 9 बजे आई थी एक रोटी खा के, और अभी 6 बजने वाले हैं, तो मुझे जोरों की भूख लगी थी, तो इसलिए सख्त ज़रूरत थी, तो मैंने बोला अच्छा है पहले खा लेते हैं। वो नहीं खा रहे हैं, अभी नहीं खा रहे हैं सर, लोगों को तो खाना है। नजर घटी तो घटना घटी, इसी को बोलते हैं। वो थोड़ा सा इधर उधर ध्यान बढ़ेगा ना तो यही करेगा ये। मैं तो खाना बात, और यहाँ पे अपने डैडी के हाथों आइसक्रीम खाते हैं। ऐसे खाओ, ऐसे ऐसे खाओ, ऐसे खाओ, ऐसे चॉकलेट खाओ, ऐसे दोनों हाथ मत गंदा करो, ये सब मेरा भी गंदा कर दिए। शरीर हम लोगों का सब्जी मार्केटिंग भी हो गया है, जो कपड़ा लेना था उसका भी मार्केटिंग हो गया है, और अभी सामने एक कारपेट का दुकान है, तो गेस्ट हाउस के लिए कारपेट लेना था अभी को, तो मैंने बोला आप ये आइए आप चूज करके ले जाइए, मैं जाऊँगी तो कुछ ज़्यादा ही टाइम लग जाएगा, तो इसीलिए वो सामने की दुकान पर गए हुए हैं, और मैं यहाँ इसके साथ हूँ फ्रेंड के साथ। देखते हैं, अभी बहुत थक गए हैं हम लोग, बहुत सारी मार्केटिंग हुई, बहुत इतना तेज बहुत सारी मार्केटिंग हो गई है हम लोगों की, अभी बहुत टायर्ड भी हो गई हूँ और कुछ खाई भी नहीं हूँ, मतलब हाँ आइसक्रीम खाया था ऑब्वियसली, बट उससे भूख थोड़ी ना मिटती है यार, वो तो डेजर्ट के लिए है, तो अभी तो कुछ खाई नहीं हूँ, और आई थिंक अब
डायरेक्ट डिनर ही करूँगी मैं, क्योंकि बार बार मुझे मुँह जूठा करने की आदत नहीं है। तो देखते हैं, होपफुली डिनर जल्दी कर लूँगी क्योंकि कुछ खाया नहीं, और अभी 7 बजने वाले हैं। वैसे पता नहीं चल रहा है, अभी भी काफ़ी रोशनी है, बट हाँ 7 बजने वाले हैं। देखते हैं यहाँ से कहाँ निकलते हैं हम लोग। उसके बाद मुझे एक मिक्सी लेना था, तो मैं वही शॉप पे आई हूँ। मैंने मिक्सी डिसाइड कर लिया है, पैकिंग हो रही है, तो वही थोड़ा रिकॉर्ड किया मैंने। अभी मैं घर आ चुकी हूँ और बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो गई हूँ। वैसे मेरे फेस पे भले ही आपको ना दिख रहा हो, बट बहुत टायर्ड हो गई हूँ और भूखी भी बहुत हूँ। मैंने बाहर कुछ भी नहीं अंडरस्टैंड खाया। अब मैं घर पे डिनर करूँगी और इतनी थक गई हूँ कि सो जाऊँगी। आई थिंक 10 बजने वाले हैं। अभी थोड़ा फ्रेश अप होऊँगी, स्नान वगैरह करूँगी, तो उसमें काफ़ी टाइम भी जाएगा। खैर, अब मैं आपको मिलती हूँ कल सुबह, तब तक के लिए गुड नाइट। आज बेटे के साथ आई हूँ मूवी देखने के लिए। मज़ा आया। हम लोग एक्चुअली जुग जुग जियो जो अनिल कपूर का मूवी निकला है वो देखने के लिए आए हैं। ये सारे काम इसको कुछ ज्यादा ही कुछ दिनों से इंटरेस्ट होने लगा। अभी मैं नाश्ता करने के लिए यहाँ पे आई हुई हूँ। इवनिंग में मैंने यहाँ पे खाने में चाट लिया था, ये बगल में ही था। मुझे देखने के बाद शाम के टाइम मुझे थोड़ी सेविंग हो रही थी, तो मैंने चाट ऑर्डर कर लिया खाने के लिए। तो बस मैं भी वही खा रही हूँ। गुड इवनिंग यू गाइस, कैसे हैं आप सब। सॉरी, कल के बाद मैं कुछ भी शूट नहीं किया। मैंने एक्चुअली दिन में कुछ शूट करने के लिए था नहीं, इसलिए मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। और अभी बहुत सारा काम निपटा के मैं ऑफिस में आ चुकी हूँ। मैंने मूवी देखा, क्योंकि कल जुरासिक पार्क मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, ट्रस्ट मी। तो आज रिलीज़ हुआ है अनिल कपूर का जुग जुग जियो, तो मैंने वो देखा। अच्छी मूवी थी, फैमिली कॉमेडी मूवी थी, ठीक ठाक थी। मतलब वाह वाला फीलिंग नहीं था, ओके टाइप्स थी, मतलब हाँ ठीक लगा। और उसके बाद फिर हम लोग शॉपिंग करने गए। मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी अपनी कुकिंग के लिए, जैसे कि मैं शॉर्ट्स में डालती हूँ। होप आप लोग शॉर्ट्स देखते होंगे मेरे, और अगर नहीं देखते तो देखिए, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करके मतलब ये सारी चीज़ें इकट्ठा करके कोशिश करती हूँ कुछ नई रेसिपी डालूँ, डेली अपडेट रहूँ। तो प्लीज़ मेरे शॉर्ट्स भी देखा कीजिए। तो उसी के रिगार्डिंग मैंने कुछ सामान खरीदा है, और अभी आई थिंक 8 बजने वाले हैं रात के। और अभी मैं ऑफिस आई हूँ, यहाँ पे भी गेस्ट हैं, तो उनके लिए भी कुछ सामान वगैरह देना था ख़रीद के, तो इसीलिए हम लोग आए हुए हैं। और उसके बाद थोड़ी देर रुकेंगे, देन हम लोग घर के लिए निकलेंगे। तो आज का पूरा दिन ऐसे निकला, मुझे टाइम ही नहीं मिला एक्चुअली शूट करने के लिए, इसलिए मैं अभी रिलैक्स होकर शूट कर रही हूँ, तो उसके लिए सॉरी। और आप बताइए कि आप लोगों का कैसा कट रहा है दिन, कैसी चल रही है लाइफ। पटना में बारिश का कुछ ज़्यादा पता नहीं है। नॉर्मली सावन के मतलब नॉर्मली मानसून के सीज़न में हर जगह बारिश होती है, बट यहाँ क्या है कि गांधी मैदान की तरफ बारिश हो रही है, तो यहाँ पे रिजर्व बैंक के बगल में वहाँ पे बारिश ही नहीं हो रही है, ऐसी बारिश चल रही है। तो बताइए कि क्या ही मतलब लोगों को सुकून मिल रहा होगा, क्योंकि गर्मी ज़बरदस्त है, रिकॉर्ड तोड़।
तो बस ऐसे ही लाइफ कट रही है, तो बने रहिए, देखते हैं। अभी तो खैर घर ही जाएंगे और मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ सूट कर पाऊँगी, लेकिन अगर सूट किया तो ऑब्वियसली आपको पता चल ही जाएगा, तो बने रहिए। ये नया वाला रोड है जो अभी जीहत से खुलता है और डायरेक्ट गांधी मैदान निकलता है, तो हम लोग ये वाला रोड देखने के लिए आए हुए थे। जब आए हुए हैं तो आप लोगों को भी दिखा लिया जाए। मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है, कल रात बहुत लेट हो चुका था इसलिए मैंने ब्लॉग कंटिन्यू नहीं किया, और अभी सुबह हो चुकी है, मैं फ्रेश हो चुकी हूँ, पूजा पाठ हो चुका है, चाय पीने बैठी हुई हूँ, तो मैंने सोचा मैं इस ब्लॉग को एंडिंग दे दूँ। मैं आजकल ज़्यादा ब्लॉग बड़ा नहीं बना रही हूँ, मैं छोटे ही ब्लॉग बना रही हूँ, होपफुली छोटे ब्लॉग ज़्यादा लोगों को पसंद आए और वो देखें। तो आप लोग मेरे ब्लॉग को ज़रूर देखिए, और अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहिए, अच्छे से रहिए और मस्त रहिए।